हाय फ्रेंड्स, फिर से मैं अपने चैनल पे आपके लिए एक सीरीज़ लेके आया हूँ, जो मेरे चैनल पे पॉलिटी की एक बेस्ट सीरीज चल रही है। तो आज के क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो ऑप्शन है आपके अमेरिका, यूके, सोवियत संघ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो अमेरिका है उससे आपके मूलभूत अधिकार लिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? ठीक है, तो बताइए, संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण आता है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच परस्पर विवाद, या फिर मूल अधिकारों का संरक्षण? तो जैसा कि ऑप्शन आपको दिख रहा है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो मूल अधिकारों का संरक्षण होता है वो आपका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो बताइए, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6 मौलिक अधिकार, 7 मौलिक अधिकार, 4 मौलिक अधिकार, या 5 मौलिक अधिकार? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए, जो 7 मौलिक अधिकार थे वो आपको प्रारंभ में दिए गए थे, लेकिन हुआ ये था कि जो 44वां संविधान संशोधन 1978 संपित हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया था, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अतः अब कितने मौलिक अधिकार हैं? केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से? एक आपका समानता का मौलिक अधिकार हो जाएगा, एक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथे नंबर पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवें नंबर पे संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, एवं छठा जो अधिकार है आपका मौलिक अधिकार वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 7। स्टार्टिंग में 7 थे लेकिन अब कितने हैं? 6। वर्तमान में पूछे तो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? अब इसमें आपको अध्याय पूछा गया है और उसमें मूल अधिकार दिए गए हैं, वो आपको अध्याय बताना है। तो भाग सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ या थर्ड? तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, भाग तीन में जो है वो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अगर भाग एक की बात करते हैं, जैसा कि इसमें ऑप्शन में दिया गया है भाग एक, तो भाग के एक के अंतर्गत जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आता है, और भाग दो के अंतर्गत अगर बात करें तो उसमें नागरिकता आती है, और भाग चार के अंतर्गत अगर बात करें तो नीति निदेशक तत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग चार में पांचवें नंबर क्वेश्चन पे, या अपने क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अब पूछा गया है कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो देखिए, जो आपका अनुच्छेद 12 से 18, 23 से 28, 29 से 50, 19 से 22, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो 19 से 22 है, ऑप्शन बी, 19 से 22 जो है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों को के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जो आपका अनुच्छेद 32 है या धारा 32 के प्रावधानों के तहत क्या हो सकता है कि देश का कोई भी व्यक्ति जो होता है वो मूलभूत अधिकारों का अगर उसका हनन होता है तो वो सीधे कहाँ जा सकता है? उच्चतम न्यायालय में अपना मामला सीधे उठा सकता है। ठीक है, यह व्यक्ति का क्या होता है? मूल अधिकार है, यह व्यक्ति का मूल अधिकार है, इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के नाम से जाना जाता है।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये रिट जो होती है, पांच तरीके की रिट होती है, पहले आपको पता होनी चाहिए। और रिट जारी करने का जो अधिकार होता है केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है और आपका जो उच्च न्यायालय है, वही रिट क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय जो होता है वो अनुच्छेद 226। उच्च न्यायालय का अनुच्छेद क्या होगा, 226, और सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद क्या होगा, 32, के तहत अपनी रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई उच्च न्यायालय ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतम न्यायालय को जारी करता है? तो उच्चतर न्यायालय निम्नतम न्यायालय को जारी करता है ये बताना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, या इनमें से, ये तीनों हमारी क्या है, ये तीनों रिटें हैं। तो इसमें जो प्रतिषेध होता है, प्रतिषेध एक ऐसी रिट है जिसमें न्यायालय द्वारा जो मतलब जो एक उच्चतर न्यायालय होता है वो आपके निम्नतर न्यायालय को जारी कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? निजी स्वतंत्रता का कौन सा एक अधिकार है ये आपको बताना है, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा, या फिर उत्प्रेषण। तो आपका जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा किसी अवैध रूप से क्या होता है कि किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को, मतलब ऐसे व्यक्ति को छोड़ने के लिए या उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकता है। समझ रहे हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा किसी अवैध रूप से किसी व्यक्ति को अगर पकड़ लिया जाता है तो उसको छोड़ने के लिए उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, एक आदेश जारी कर सकता है। उच्च या उच्चतम न्यायालय एक आदेश जारी कर सकता है, यह निजी स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो जब दोषपूर्ण पुलिस नज़र बंदी हो जाती है, मतलब पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है, उसमें दोषपूर्ण पुलिस जो होती है दोषपूर्ण नज़रबंदी हो जाती है, तभी ऐसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो ये भी क्या होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी होता है किसी व्यक्ति को पकड़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो भारतीय संविधान में आपको बताना है कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, न्यायिक आदेश बोल लीजिए या रिट बोल लीजिए, वो पांच टाइप के आपके रिट होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको देखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है एक, दूसरा परमादेश होता है, तीसरा प्रतिषेध होता है, चौथा उत्प्रेषण होता है, और पांचवा अधिकार परीक्षा होता है। और अनुच्छेद 32 के तहत आप उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 में जो होता है उच्च न्यायालय की बात पास रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाइए कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था ही नहीं की गई है ये आपको बताना है, परमादेश, प्रतिषेध, व्याधेश, या न्यायाधीश। तो देखिए इसमें परमादेश, प्रतिषेध और दिखाया गया, ये तो बिल्कुल आपकी एक रिट है, मैंने पांच जो आपको बताई, लेकिन व्यादेश और निषेध नाम की कोई रिट नहीं है, तो इसमें ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ। इसके ऑप्शन क्या होंगे, सी और डी, दोनों नहीं, ऐसा कोई नहीं की गई है रिट। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं, तो पाँच प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? देखिए सेम वही क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जाते हैं या रिटें जारी की जाती, तो पांच टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्व का पालन नहीं कर रहा है
और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रवाहित हो रहा है, तब क्या होता है परमादेश। और परमादेश का एक शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि आदेश देना। इसमें किसी व्यक्ति को ये होता है कि जो होता है सरकार या किसी लोक प्राधिकारी को कोई काम करने के लिए निर्देश दिया जाता है, ठीक है, उसका उपयोग ऐसे प्राधिकारी या ऐसे अधिकारी के विरुद्ध किया जाता है जिससे सार्वजनिक कर्तव्य करने से इनकार कर दिया हो। उसने क्या कर दिया हो कि कोई सार्वजनिक कर्तव्य करने से ही इनकार कर दिया हो और या विफल हो रहा हो, तब ये जो है परमादेश जारी किया जाता है। समझ रहे हैं। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो सेम वही क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि ऐसा कब होता है कि जो है आपको न्यायिक आदेश होता है कि आप किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार नहीं कर सकते हैं, तो वो जो रिट होती है वो अधिकार प्रेच्छा की होती है, ठीक है, अधिकार प्रेच्छा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके अधिकार कार्य करने के लिए दी जाती है। अधिकार कार्य करने के लिए जो दी जाती है वो परमादेश ही होगा, मतलब अब अपने अधिकार में आने वाले कार्य नहीं कर पा रहे हैं या उनमें विफल हैं तो वहाँ पे परमादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है। इसमें बताना है कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है। अनुच्छेद 14 में विधि के अनुसार समानता, बिल्कुल करेक्ट है, यही बताया गया है। अनुच्छेद 16 में समान अवसर, अनुच्छेद 16 में भी समान अवसर बताया गया है। अनुच्छेद 17 में उपाधियों का समान और 18 में सैनिकों उपाधियों की अनुमति। देखिए 17 को याद रखिएगा, सत्ता जो है वो अस्पृश्यता का अंत है। 17 अनुच्छेद 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत, और 18 में जो बताया गया है वो उपाधियों का समापन का प्रावधान है, ठीक है ना। तो इसमें से जो सही अनुकूल नहीं है वो ये वाला अनुकूल नहीं है, बाकी सारे अनुकूल हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। कैसा, इसमें किस में कहा गया है ऐसा। तो जहाँ पे समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 में, समानता का जो अधिकार दिया गया है उसमें ऐसी बात कही गई है। अगले क्वेश्चन पे आएँ। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक, अब बताना है जीवन का अधिकार एक। तो जो जीवन का एक अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है, जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएँ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो आपके स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है अनुच्छेद 19(1), मतलब का में वर्णित स्वतंत्रता का, जो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। तो मानव व्यापार जो निषेध है वो शोषण के विरुद्ध एक जो अधिकार आता है उसका अनुच्छेद है आपका 23। अनुच्छेद में 23 में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें क्या कहा गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में मानव व्यापार कैसा है, मानव व्यापार बिल्कुल निषेध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। तो जो आपका बात करना चाहूँगा संपत्ति का अधिकार है उसको क्या कर दिया गया, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है। वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 के अधीन एक विधिक अधिकार बन गया है। अब ये कैसा अधिकार है, ये एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। तो जैसा कि आपको अभी बताया 44वें संविधान संशोधन 1978, तो इसमें 44वें संविधान संशोधन माना जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि 44वें संविधान संशोधन
क्वेश्चन क्या है? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? सेम वही क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार बन गया। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है अब एक विधिक अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो वो संपत्ति का अधिकार ही है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कई तरीके से पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? संपत्ति का अधिकार, फिर से सेम वही क्वेश्चन आ गया आपका। और फिर देखिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासन काल के दौरान हटाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाया गया था, तो उस समय किसका शासनकाल था? तो मोरारजी देसाई सरकार थी उस समय। ठीक है, कौन थी? पहले ये कौन से अनुच्छेद में था? ये 31 अनुच्छेद में था। अब इसे विधिक अधिकार बना के 300 का में डाल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो संविधान का दिल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किसे कहा गया? तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, उसको ऐसा कहा है, संविधान का दिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ये भी आपका वही क्वेश्चन का आंसर है, अनुच्छेद 32 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? फिर से उसी का सेम आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण संविधान का अनुच्छेद है। कोई राज उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, या कथन किसका है? तो याद कर लीजिए, कोई राज उन अधिकारों द्वारा बनाया जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, तो यह कथन जो है वो लास्की जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? अब मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं ये आपको बताना है, तो भाग 3 में मूल अधिकार शामिल हैं। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से मिलती है, मतलब 19(1) में ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को एक विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद जो 33 है, कह रहे हैं अनुच्छेद जो 33 के अनुसार जो होता है कि संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों, जैसे लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के इन अधिकारों की मर्यादाओं को निर्धारित कर सकती है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 33 के अकॉर्डिंग है। अगला क्वेश्चन है कि अभिव्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? जो एक अभिव्यक्ति होता है, अगर उसको पुलिस नमूना हस्ताक्षर करने या कोई नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर रहा है, तो वो क्या माना जाएगा? वो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन माना जाएगा, व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, विधि के नियम का उल्लंघन, विधि के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन, तो वो जो है व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो अल्पसंख्यकों को जो मान्यता दी गई है वो धर्म के आधार पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ठीक है, और प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण का सुधार करना, सद्भाव को बढ़ावा देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसमें से जो मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, एकता भाईचारे का बढ़ावा देना, प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, ये सारे मौलिक कर्तव्य आपके हैं। सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कब समाविष्ट किए गए ये आपको बताना है। तो 1976 में कब समाविष्ट किए गए थे? 1976 में ये समाविष्ट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो जो आपका संशोधन है वो 42वां संविधान संशोधन है जिसके अंतर्गत ये जोड़े गए क्या मौलिक कर्तव्य। फिर है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट हुए, ये आप क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं 1976। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं वो कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए ये आपको बताना है। तो 11 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से जो संबंधित है आपका वो अनुच्छेद 51 का, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो भारतीय संविधान में जो 11 मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। फिर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? अब ये बताना है आपको वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं, तो वो भी आपके 11 ही उल्लिखित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए अधिकार कर्तव्यों को बाधित करता है, को अनुदिशित करता है, में निहित है या का विरोध करता है। तो अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है क्या? शामिल है मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, तो मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में उन उदात्त आदर्शों के संयोजने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसे सौंपी जाती है? तो जो भोगने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो उच्च न्यायालय व सभी उच्चतम न्यायालय या सभी न्यायालय, तो ये उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों के द्वारा दी जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपयुक्त ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा, जब 352 अनुच्छेद 352 राष्ट्रपतकालीन शक्तियाँ हो लगती हैं तब मौलिक का अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो ये निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो मंत्रिपरिषद लगा सकता है, संसद लगा सकता है, या जनता या मंत्रिमंडल। तो बताना चाहूँगा जो संसद है वो जो है लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है, नागरिकों और विदेशियों को क्या प्राप्त है? राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, मौलिक अधिकार प्राप्त है, सिविल अधिकार प्राप्त है या विधिक अधिकार? तो दोनों को विधिक अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो जो आपके बात करूँगा अभिव्यक्ति का अधिकार है वो केवल नागरिक के लिए है, नागरिकों के लिए है। फिर है, किसी धर्म विशेष संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति गारंटी दी गई है। तो ये अनुच्छेद 27 में ऐसा बताया गया है, करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी की रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया?
तो अल्पसंख्यकों को जो हितों की सुरक्षा पर अनुच्छेद आपका जो 29 है उस पर विचार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन है, 17 पहले भी कर चुके हैं। फिर है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, समता का अधिकार, शोषण के प्रति अधिकार, हड़ताल का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो हड़ताल का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। फिर है कतिपय मौलिक अधिकार नहीं है, तो कतिपय जो मौलिक अधिकार नहीं है वो क्या नहीं है, तो कतिपय मौलिक अधिकार जो है वो कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, तो मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो इसमें से आपको बताना है मूल अधिकार कौन सा नहीं है, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार या जीवन का अधिकार। तो ये जो सूचना का अधिकार है ये एक प्रकार का मूल अधिकार नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत देने का अधिकार किस रिट से संबंधित है, तो मत देने का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है, तो राजनीतिक जो अधिकार है वो जो मतदान का अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसको आप याद कर लीजिए कि गोकरनाथ बनाम पंजाब राज 1967 ये जो है वो कैसा है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से यही वाला है, गोकरनाथ बनाम पंजाब राज 1967। तो आज के लिए पॉलिटी के इतने ही क्वेश्चन, और आप इसी तरीके से काफ़ी अच्छी सीरीज़ आपके सामने लाई जाएगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और डेली नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।